डिविजनल मॉडल कॉलेज के ज़ेर एहतमाम DPS में सालाना इंटर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज स्पोर्ट्स मुकाबलों का आगाज कर दिया गया। सालाना खेलों में पहले नंबर पर बैडमिंटन के मुकाबले करवाए जाएंगे, जिसके बाद दीगर खेलों का आगाज होगा। प्रिंसिपल DPS मोहम्मद शाहिद ने कहा कि स्कूल स्पोर्ट्स को बहाल रखना बेहद ज़रूरी है। जो हालात हमारे स्पोर्ट्स के बनते जा रहे हैं, इसके अंदर अगर स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स खत्म होती जाएगी तो नेचुरली आगे लेवल्स के ऊपर जो है ना वो स्पोर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। यही वक्त होता है जब आप बच्चे की स्किल्स बिल्डिंग करते हैं, उसका एक एटीट्यूड बनाते हैं स्पोर्ट्स के लिए। तुलबा ने कॉलेज इंतजामिया की जानिब से इन मुकाबलों के इनकाद को खुशाइंद इकदाम करार दिया है। बहुत अच्छा लगता है खेल के, तो स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी अच्छी रहती हैं, ज़रा मेंटली स्टूडेंट्स फ्रेश रहती हैं। ये DMC इस बार उन्होंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाया, इनमें बड़ा मज़ा आ रहा है और हमने भी दो मैच जीत गए, इंशाल्लाह कल वाला जीत के हम फाइनल में जाएंगे। अच्छे खिलाड़ी मुतारफ करवाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस में बाकायदा खेलों की सरगर्मियाँ सूदमंद साबित हो सकती हैं। दौरान तालीम बोरियत से बचने के लिए तुलबा के लिए ऐसी सरगर्मियों का इनकार ना सिर्फ इन्हें तफरीह का मौका फराहम करता है बल्कि इनकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी मौवन साबित होता है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अस्मा रियाज, फैसलाबाद।